का सौगात कौन दिया? कोई लिखने का सौगात कौन दिया? कोई लिखने का सौगात कौन दिया? तो जदी तो हाय के करला छी यहां इलाज देखला छी तो हम मालिक नस्का जानबो समझला जदी निकाल जाओ जल्दी हमरा सब ना हमरा सब ना निकाल कुर्सी का मार दो निकाल निकाल यहां जल्दी आज के और बिना तुम अगर यहां दिखाई दिया तो तुम हम के बच्चे में अच्छी अथॉरिटी कौन आपको आदेश दे दिया यहाँ बैठने का? ये व्यक्ति 1,00,000 रुपया लिया है सुरेंद्र यादव से रसीद काटने का और मोटेशन कराने का। मनसो देवी का जमीन है ये नहीं तो सीओ साहब से मिलने देते हैं और नहीं और किसी से मिलने देते हैं। बैठ यहाँ पैसा लेकर के नाटक करता है। क्या मामला है? क्या मामला इधर बताइए तो। हम कुछ नहीं किए, कर्मचारी साहब ने किए हैं जो भी किया है तो हम नहीं है। हुआ क्या हुआ जो हमको वो मोटेशन कराएगा आप ही कराए, हमने हमको हमको जो कहेगा हम वही न करेंगे। हम अपने से नहीं है न करते हैं कोई काम, हमको जो देता है करने के लिए वो करते हैं हम। क्या मामला है बताइए तो। मनसो देवी आई थी रसीद कटाने उससे ही पूछिए क्या मामला आप बताइए मामला। ये क्या किया है? तीन भाई है ये सुरेंद्र यादव को सीधा जो है मोटेशन कर दिया, उसके बाद फिर पैसा लेकर के ये मोटेशन वो बूढ़ी नीचे रो रही है, नीचे रो रही है 8 साल से रो रही है 8 साल से। रजिस्टर देख लीजिए किसके तुम किया है तुम सीधा नाम के जी। अरे हमरा भैया तो पैसा ले लो ना, एक पैसा ले लो ना, एक रुपया ले लो चाहे हमरा नहीं करे जगह तुम एगो आदमी कर्मचारी कर। ये व्यक्ति 1,00,000 रुपया लिया है सुरेंद्र यादव से रसीद काटने का और मोटेशन कराने का। मनसो देवी का जमीन है ये नहीं तो सीओ साहब से मिलने देते हैं और नहीं और किसी से मिलने देते हैं, न ही रसीद कटने देता है और ये ब्लॉक में बैठ करके अपना मनमोनी करता है। हम कौन जी करे छे तो भरो हम रह ले देख सब तुम ही कर रहे हो तो वहाँ देखी लो रजिस्टर। नहीं हम रजिस्टर देखते हैं, हम पढ़ के देखे, हम देख लिए रसीद देखो चलो देखो तुम करवाए हो। अरे हम आपसे क्यों देखेंगे, हम कर्मचारी से देखेंगे। आप तो ये कौन है छुट्टी दिया बैठने तुम क्यों दिए वहाँ आपको यहाँ बैठने का? तुम क्यों कहते तुम कहते हो मसल मोटेशन हम कौन जी कर जब तुम 1,00,000 रुपया लिया और हमने पास भी तुम गया था पैसा मांगने के लिए समझे। हम बात रहा कि जब तोरे जो हमरा पैसा पे ले लो जी या हमसे मांग रहा था 35,000 रुपया मोटेशन करने का और रसीद करने का कि तीनों का फोट बैठेगा और हम नहीं दिए करते इनको हमको कहता कि और ये हमको आज ये पहचान ले रहा है। हमरा घरों की यही निकल बोल को अब यहाँ घर दिला वहाँ वहाँ घर के गुजर भाग गए कहीं ना के दो जन ये सब कर ले थे ये कर ले कौन जी कर लिए हमरा एक रसीद कटवाई को हम लोग की कर लिए यही की नाम मोटिशन कर बोल जब कर बोल के कौन नाम मोटिशन नहीं कर बोल के सब तो ही कर बोल नाम बोलवे तब के सुधीर नाथ के सुधीर तोरो की नाम बता दी हमरा मनसो देव समझला। और हम वहाँ आदमी तो तोरा लेटर देला तोरा लेटर कैंसिल कर बुढ़िया भीख मांगे जे तो हाँ ही पर तो तोरा भीख मांगे ले पड़ जाओ कहीं समझला। मैं भीख मांगी कब मैं बुढ़वा बुढ़िया नारे नंगरी लड़की खा जी सुरेंद्र यादव जोगेश यादव सुदीन यादव सब मिला हुआ ये नोटिस जितना था ना तोरा कम आदमी कर नौकर बनवा के पछवे बे घर। सुनिए एक बात हम आपको बता देते हैं, आपको जो जहाँ करना है कीजिए, लूटना खसटना जहाँ है आप लूटिए। पैसा ले लेते हैं कागज घर घर वापस मिलना चाहिए। ये घर से बेघर छे दस लाख का भीख मांगी किए दोनों खा लो जे समझे ले बंटवारा भीख मांगी लो जे घर दे वापस पैसा ले लगे 1,50,000 रुपया दिए 35,000 रुपया मंगे हमरा के ले ले तोरा भी हिस्सा तो दिए समझे। चल वहाँ चल 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 तोरा बहुत अच्छा सुनिए आज चल वहाँ वहाँ जमीनो जमे ज्यादा जो अभी नाथनगर अंचल में राजस्व कर्मचारी की निजी स्टाफ के रूप में काम कर रहे सुदीन मंडल को एक महिला ने अंचल कार्यालय में घुसकर धुनाई कर दी। महिला का कहना है कि सुदीन मंडल राजस्व कर्मचारी का दलाल है, वह क्षेत्र के आवेदकों से म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली करता है। एक मामले में सुदीन ने पैसे लेकर एक परिवार का फर्जी बंटवारा नामा के आधार पर जमीन का म्यूटेशन कर दिया है। इतना ही नहीं महिला ने बताया कि सुदीन मंडल ने म्यूटेशन के नाम पर हमसे भी 35,000 रुपए की मांग की थी।
जब हमने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वो अपनी मनमानी कर फर्जी तरीके से म्यूटेशन कर दिया। वहीं महिला द्वारा सुदीन मंडल की पिटाई करने से अंचल में करीब एक घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामले पर नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा ने कहा कि जिस जमीन के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि गलत म्यूटेशन हुआ है, उक्त जमीन का म्यूटेशन एक वर्ष पूर्व भी हुआ है। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो वो लोग अपील में क्यों नहीं आए। जानकारी मिली है कि अंचल कार्यालय में घुसकर एक प्राइवेट कर्मी के साथ मारपीट की गई है। उक्त व्यक्ति राजस्व कर्मी के साथ रहता है। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने व अंचल कार्यालय में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।